चलो बेटा, जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपना अपना कमेंट करके बताइए। हेमी, ऋषभ, विशाखा, जय हिंद बेटा। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? एक बार जरूर बताए बेटा, आवाज एकदम प्रॉपर आ रही है? आज का जो प्रैक्टिस सेशन होने वाला है वो होने वाला है 19, यानी कि लगातार अपने डे वन से ही चली आ रही क्लास है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 19 वाला है, और आज टोटल 40 से 45 क्वेश्चन करेंगे अपन, और 40 से 45 क्वेश्चन के बीच में अपन लास्ट में अपना स्कोर भी सभी लोगों को बताते जरूर चल रहे हैं। देखो, सेशन को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले शेयर कर देंगे। जिन्होंने लाइक नहीं किया बेटा, लाइक जरूर कर देना, ठीक है? बिल्कुल आ जाओ भैया, जल्दी आ जल्दी सारे के सारे बच्चे आ जाओ। अपने अपने स्टेटस पे जरूर पुटअप कर लेना इस लिंक को, ठीक है? ऋषभ, हेमी, विशाखा, वर्षा, ऋषभ राज, ठीक है? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बेटा सभी को, ठीक है? ऑडिबल क्लियरली? चलो भैया, तो सब कुछ अगर भैया क्लियर है तो एक एक बार सारे के सारे बच्चे थंब कर दो, लाइक कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि भैया सारे के सारे एनर्जी के साथ आ चुके हैं सारे बच्चे। तो जल्दी से बता दो भाई, कुलदीप, सत्य, कनिष्का, ऋषभ राज, आशीष, ठीक है, विशाखा आ गए बेटा, सारे बच्चे आ रहे हैं, बिल्कुल। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, प्राची, जय हिंद बेटा। सब कुछ अगर क्लियर है तो बेटा थंब कर दो, ओके, सब कुछ क्लियर है। चलो अब देखो, सेशन को शुरू करने से पहले आज की जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, क्या लिखा है बेटा? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बात तो सही है। एक दिन का अपन को अगर लाइन याद हो तो बेटा, मैंने आपको एक दिन बोला था कि गलत बात यह है कि अपना समय निकल गया है, अच्छी बात यह है कि अपने पास कुछ समय अभी भी बचा है, तो उस कुछ समय में बहुत कुछ किया जा सकता है, बस आपके सपने बड़े होने चाहिए बेटा। सपने अगर बड़े होंगे तो डेफिनेटली आपके हौसलों से आपके जीवन की उड़ान जरूर होगी, तो लगातार बने रहना है, ठीक है? कॉन्स्टेंट अगर मेहनत करोगे ना तो यकीन मानो कि एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलती है। आप कहीं भी किसी का भी एग्जाम्पल आप देख के चलो। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा बेटा, आपकी स्क्रीन पर बहुत ध्यान से कीजिएगा। देखो क्या लिखा है, CEGIKMOQS, देन व्हाट विल बी नेक्स्ट, अगले तीन लेटर कौन से हो जाएंगे। अब बेटा ना पहला ही सीरीज का क्वेश्चन आया है, और सीरीज के क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करते थे याद करो, मैंने बोला था, सर आपने बोला था कि जब भी सीरीज के क्वेश्चन आते हैं ना तो पहला पहला लेटर को अल्टरनेट क्या करते जाओ, आगे की तरफ बढ़ाते जाओ, और उनके बीच में देखते जाओ गैप कितने का है, छोटा छोटा गैप है, बड़ा बड़ा गैप है, बड़ा गैप है तो भैया उनके बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। देखो जैसे ही आंसर आपने देखा डी 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 डी, डेफिनेटली आंसर डी लगाना शुरू किया कि सर डी होना चाहिए। एक बात बताओ, है ना दोस्त, ध्यान से सुनना, सर ये 3, ये 5, ये 7, ये 9, ये 11, ये 13, ये 15, ये 17, ये 19, तो बेटा देखो दो दो का है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, ऐसे करके 19 और 2 21, 21 में कौन होगा बेटा यू, तो पहला लेटर कौन होगा यू। अच्छा पहला लेटर देखो यू से कौन शुरू हो रहा है, केवल ऑप्शन नंबर डी, इससे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, आगे के दो लेटर भी निकालने की जरूरत नहीं है दोस्त। हमेशा हमने बताया कि जहां से आंसर मिले वहां से सीधे कल्टी मारो, निकल लो, सीधे गायब हो जाओ वहां से, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलो आज के प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्वेश्चन ये रहा बेटा, ARCSETG, देन व्हाट विल बी नेक्स्ट टू लेटर, अगले दो लेटर कौन कौन से होंगे। बेटा बहुत ध्यान से कीजिएगा, सीरीज के क्वेश्चन कभी कभी हमको लगने लगता है कि हमसे सब बनता है, लेकिन कई बार फंसा देता है भाई साहब ये लेटर में, इस तरीके के जब भी लेटर आते हैं, ठीक है? सोहन सपना बोल रहे हैं कि सर आर्मी का न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा, 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है बेटा, है ना? बिल्कुल अपने को बने रहना, 27 तारीख से आर्मी को टारगेट करते हुए नोटिफिकेशन आ गया है, आर्मी को टारगेट करते हुए 27 तारीख से आपका नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। प्राची, कनिष्का, अंकित, ऋषभ राज, आशीष, हेमी, ठीक है, बहुत बढ़िया, राजेंद्र, वर्षा, विशाखा, आशीष नागर, बी 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 को लॉक कर दीजिए। चलो भाई बी को लॉक कर दो बेटा फटाफट से, पहले तो ये बात बताओ कि क्या बी सही आंसर है? बोलो गुरुजी सारे के सारे आंसर बी लगा रहे हैं। अभी देखो किस बेस पे हो सकता है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, सर ए से आर की तरफ जाएंगे तो ये 1 है, ये 18 है, इनके बीच में ना कोई मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो गुरु मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो अल्टरनेट चल के देखो, देखो ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो बेटा लास्ट का क्या होना चाहिए, 9, तो डेफिनेटली लास्ट वाला जो लेटर होना चाहिए 9 पे, और 9 पे कौन आता है दोस्त, आई आता है, और आई किस में था, ऑप्शन नंबर बी में था, और जहां आंसर मिले वहां से सीधे अपना बोरिया बिस्तर समेटो, वहां से गायब हो लो, वहां से सीधे गायब हो लो, अल्टरनेट बिल्कुल चेक करने थे दोस्त, आपने बिल्कुल सही कहा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, फिर से सीरीज का आ गया है, ए ई आई बी एफ जे
सी जी के, देन व्हाट विल बी नेक्स्ट, अगला कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो सीरीज पे आप अपने को काम करने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि जितने भी लेवल के आते थे उतने लेवल में आपको लगातार करा रहा हूं, और अगर विद इन 30 सेकंड में 40 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर ले रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप परफेक्ट हैं। इस तरीके से आप परफेक्ट चल रहे हैं। चलो भाई इसका परफेक्ट आंसर लगाना, ऑप्शन ए बी सी और डी कौन सा हो जाएगा, हेमी ऋषभ अंकित वर्षा विशाखा, ठीक है बहुत बढ़िया, कनिष्क नीलम, ओके बहुत बढ़िया, ए ए ए सारे बच्चे ये लगा रहे, देखो गुरुजी कैसे, देखो सर ऐसा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद बेटा डी ही आना चाहिए, आंसर किससे शुरू होगा, डी से, तो गुरु ये भी नहीं है, ये भी नहीं है गुरुजी, ये है और ये है। चलो सेकंड लेटर चेक कर लेते भैया, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद भैया कौन सा आता है एच, तो सेकंड लेटर एच आना चाहिए दोस्त, एल तो नहीं आएगा, तो कौन सा बचा है, ऑप्शन नंबर ए, अरे भाई कौन सा बचा है, ऑप्शन नंबर ए बचा है, बोलो परफेक्ट है, अरे बोलो परफेक्ट है, देखो सारे बच्चों का आंसर आ रहा था ए, जबरदस्त गुरु। अगला क्वेश्चन सर ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या लिखा है देखो, एक निश्चित कोड में कम एट वंस शब्द को एक्स एल एन वी जेड जी एल एम एक्स वी के रूप में लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में कौन सा ओके होगा। अच्छा देखो ओके बेटा ना ऐसे लिखना था, कहां गया ये वाला, तो भैया ओके को कैसे लिखेंगे, यदि भाई साहब इन तीनों का कोड ये तीनों हैं तो यकीनन भाई साहब ओके का कोड आपको निकालना पड़ेगा। बोलो गुरुजी निकाल लेंगे, बोलो कैसे, बोलो हमें प्लेस वैल्यू आती है, तो प्लेस वैल्यू के आधार पर देख लो, प्लेस वैल्यू नहीं आ रही है तो ऑपोजिट लेटर होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें गेम किया है एग्जामिनर ने, और वो गेम क्या किया है ये देखते ही, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है तो यकीनन ये बहुत जल्दी आंसर निकल जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा तामझाम करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। देखो क्या लगा रहे हैं, बी 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 बी, सारे बच्चे बी लगा रहे हैं कि सर बी आना चाहिए, देख लेते हैं भाई, एक बात बताओ देखना ध्यान से, सी का अपोजिट बेटा एक्स होता है, बात तो सही है गुरु, ओ का अपोजिट एल होता है सर, एम का अपोजिट एन होता है, ई का अपोजिट वी होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, टी का अपोजिट जी होता है, यानी कहने का मतलब है कि दोस्त ना ऑपोजिट लेटर लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं ऑपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर लिखे हुए हैं। तो भाई इधर देख लेते हैं, ओ का अपोजिट होता है एल, और के का अपोजिट जल्दी से बताओ भैया करीना कपूर, अपन ने पढ़ा था ना केपी, तो एल के होना चाहिए, और भैया एल के कहां पर दिखाई दे रहा है भाई, सब एक तो दिखाई दे रहा है इसमें, ओ का अपोजिट हो जाएगा एल और के का अपोजिट, एक मिनट, के का अपोजिट तो भैया ना पी होगा, है ना, और इसका क्या हो जाएगा एल, एल पी हो जाएगा, और एल पी किसमें दिखाई दे रहा है भाई साहब, बी में दिखाई दे रहा है, किसमें था बी में, परफेक्ट था बेटा, एकदम जबरदस्त था, अगर भी आपने लगाया ऑपोजिट लेटर है, और सारे ऑपोजिट आपको पता है, देखो याद कैसे करना है, ए टू जेड, ए का जेड, बी बाय बाय बाय, सी एक्स का क्रैक्स, DW का ड्यू, इवनिंग का ईवी, एफ ओ यू आर फोर, फोर का एफ का यू, यू का एफ, ऐसे याद रखना है आपको, मैंने आपको कुछ कोड वर्ड दिए थे याद करो, डेली लाइफ में जो भी आप चीजें याद कर रहे हो, डेली लाइफ में जो भी आप शब्द बोलते हो बेटा उसी शब्द में ही आपके सारे के सारे ऑपोजिट लेटर छुपे हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। जय श्री राम मनाया बेटा। नेक्स्ट अगला देखो, अगला लिखा हुआ है कि यदि नारंगी को नीला कहा जाए, नीले को सफेद कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, पीले को काला कहा जाए, काले को लाल कहा जाए, और लाल को क्या कहा जाए भैया, भूरा कहा जाता है, तो दूध का रंग कैसा होगा भाई साहब बताना जरा। कोडिंग डिकोडिंग का ही है भाई साहब ये क्वेश्चन, किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का ही ये क्वेश्चन है, तो आप जरा बताओ, ठीक है ओके, राम राम मेरे भाई सभी लोगों को। अनुश्री बोले कि पीछे मैम की आवाज आ रही है, मैम की क्लास चल रही है करंट अफेयर्स की, है ना बेटा। अनुश्री विशाखा हेमी आशीष, ठीक है बहुत बढ़िया जबरदस्त, वर्षा संदीप राठौर, ठीक है जबरदस्त बेटा, डी 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 डी, क्या लगा रहे हैं डी। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन ना बड़ा कंफ्यूज करता है, तो एक बात बताना, दूध का रंग कैसा होता है सर, सफेद होता है, जनरली तो होता है सफेद, और सफेद को क्या कहा जाता है, तो गुरुजी ने इधर लिखा था कि सफेद को पीला कहा जाए, तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, पीला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। लेकिन सर ना ऐसे कैसे हो सकता है, पीले को भी तो आगे काला कहा जाता है, काले को लाल कहा जाता है, लाल को भैया भूरा कहा जाता है, तो आंसर तो भूरा ही होना चाहिए था। नहीं गुरुजी, ये बात हमेशा याद रखना कि कभी कभी ये क्वेश्चन फंसाता है, अगर इधर लिखता कि सफेद का अर्थ पीला है तो पीछे वाला आंसर लगाना था, और यदि बीच में लिखा है का अर्थ तो आगे वाला आंसर लगाना है, तो सफेद को क्या कहा जाता है दोस्त, पीला कहा जाता है, तो डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा वो पीला हो जाएगा, ठीक है।
ओके बहुत बढ़िया जबरदस्त। अगला क्वेश्चन बताएं जरा, क्वेश्चन नंबर 6, कितने बच्चे इसका परफेक्ट आंसर लगा सकते हैं? लगाओ भाई। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, इनमें से कौन सा एक लीप ईयर है? लीप ईयर का मतलब ऐसा ईयर जिसमें फरवरी 29 डेज की हो। कितने? 29 डेज की हो, पहली चीज। और दूसरा आपको याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे इन अ ईयर? 366 डे। तो अब जरा बताओ इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2800, 1800, 2600 या 3000? कैलेंडर मेरे से जो पड़ा गलत मत कर देना, मधु, अंकित, द मनी अर्निंग ट्रिक्स, ओके, ऋषभ राज, अनाया, ऋषभ, वर्षा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए फॉर अनाया बोल रहे हैं कि ए ए ए होना चाहिए। अच्छा देखो, ध्यान से सुनना बेटा, है ना, ईयर टोटल में आपको बता देता हूँ कि कितने टाइप के होते हैं। अगर जितने मेरे से कैलेंडर पड़ा हुआ है तो उनको तो दिक्कत है नहीं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है दोस्त ने बहुत बहुत ध्यान से सुन लो, कभी भी फंसा सकता है क्वेश्चन। तो भैया कैलेंडर मोस्टली कितने टाइप के होते हैं या ईयर कितने टाइप के होते हैं? तो एक तो होता है बेटा नॉर्मल ईयर, और नॉर्मल ईयर का मतलब होता है जिसमें फरवरी 28 दिन की हो। कितने? 28 दिन की हो, बात तो सही है। और इसमें भाई साहब पूरा 4 का भाग नहीं जाता है, पूरा 4 का भाग नहीं जाता है। दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है बेटा लीप ईयर। लीप ईयर, लीप ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसमें टोटल साल में 366 दिन, फरवरी 29 की, और बेटा इसमें टोटल 4 से भाग चला जाता है। तीसरा जो होता है वो होता है लीप ईयर, सॉरी सेंचुरी ईयर। कौन सा होता है बच्चे? सेंचुरी ईयर। और सेंचुरी ईयर का मतलब होता है ऐसा कोई भी ईयर जिसके लास्ट में 2 जीरो हो, जिसके लास्ट में 2 जीरो। और जब भी सेंचुरी ईयर आपको चेक करना हो, देखो सब में लास्ट में 2 जीरो हैं, और अगर ये चेक करना हो कि ये जो सेंचुरी है ये लीप सेंचुरी है नॉर्मल, तो भैया 4 का भाग नहीं देना होता है, 400 का भाग देना होता है। तो सर 400 का भाग किस में जाएगा? 2800 में जाएगा, और ए वाला परफेक्ट आंसर था। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं डिविजिबल भैया, 4 से डिवाइड वो करना है जो सेंचुरी ईयर नहीं है। अगर कोई सेंचुरी है लास्ट में डबल डिजिट है ना, तो यकीन मानना दोस्त फिर आपको ना 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अभी भी एनर्जी की कमी दिखाई दे रही है भैया, आपके लाइक और शेयर में थोड़ी सी कमजोरी आ रही है, एनर्जी कम नहीं होने देना है दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि बिंदु ए बिंदु सी के पश्चिम में 4 किलोमीटर है, बिंदु सी बिंदु डी के दक्षिण उत्तर में 2 किलोमीटर है, बिंदु बी बिंदु ए के दक्षिण में 2 किलोमीटर है, बिंदु बी और बिंदु डी के बीच की दूरी क्या है? ठीक है चलो बताओ भैया फटाफट से इसका आंसर। ओके, अज्जू ड्यू टू हॉस्टल फूड, ठीक है चलो बताना जरा इसका आंसर क्या होने वाला बेटा। 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला आंसर आना स्टार्ट हुआ है 4 4 4 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर। आपको डिस्टेंस क्या बताना है भैया? बी और डी के बीच की डिस्टेंस बताना है कि बी और डी के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी। हाँ जी, हाँ फंस गए ना बेटा, ठीक है, सी 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 ऑप्शन 4 4 4 4 दे रहे हैं। देखो बेटा एक बात बताओ, आपको ये तो सारी चीजें पता ही होगी ना, जब भी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करो, ये है ईस्ट, ये है बच्चे वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है बच्चे साउथ। ठीक है, तो चलो भाई क्या लिखा है, बिंदु ए बिंदु सी के पश्चिम में 4 किलोमीटर है, तो बिंदु सी के पश्चिम में 4 किलोमीटर कौन है? ए, और भैया पश्चिम इस साइड होता है, वेस्ट इस साइड होता है। ठीक है, बिंदु सी बिंदु डी के उत्तर में 2 किलोमीटर है, तो भैया जो सी है ना वो बिंदु डी के उत्तर में 2 किलोमीटर है, तो डी के उत्तर में 2 किलोमीटर बिंदु सी है। बिंदु बी बिंदु ए के दक्षिण में 2 किलोमीटर है, तो ए के दक्षिण में बिंदु कौन है? बी। कितना है? 2 किलोमीटर है, तो बेटा ये 2 किलोमीटर बता दो। बी और डी के बीच की दूरी, ये वाली दूरी पता करनी है, तो बेटा ये 4 है तो ये भी 4 ही होगी, इसमें कोई बड़ी दिक्कत थोड़ी है। और अगर 4 है तो डेफिनेटली फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आशीष, ऋषभ, हेमी, आयुषी, अनाया, ठीक है, अज्जू, मधु, वर्षा, विशाखा, जबरदस्त भैया, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त है। देखो ये क्वेश्चन तो तुमसे देखते ही बन जाएगा,
ये क्वेश्चन तो बेटा तुमसे देखते ही बन जाएगा, अगर नहीं बना तो उधेड़े जाओगे, नहीं बना तो उधेड़े जाओगे। इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इसमें लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है कि ऑल फादर्स आर सन, नो सन आर एजुकेटेड। ठीक है भाई, कंक्लूजन निकालना है, ऑल सन्स आर एजुकेटेड, नो फादर्स आर एजुकेटेड, इसका बताओ जरा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ओनली कंक्लूजन नहीं 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 नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलोस, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। सी वाला लगा रहे हैं कि भैया दोनों गलत हैं, हैं? सी आंसर तभी लगाना जब दोनों गलत हो दोस्त, याद रखना। और डी वाला तभी लगाना जब दोनों सही हो। अच्छा सी सी लगा रहे, एक बात बताना बेटा, तुम लोग ना गलती कहाँ करते हो सुनना। पहली तुम लोगों ने गलती ये की कि भैया यहाँ तुमने स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ा नहीं, यहाँ लिखा था सभी पिता पुत्र हैं, तो जितने भी बेटा पिता थे सारे के सारे पिता क्या हैं, पुत्र हैं, तो भैया ये पुत्र हो गए। ठीक है, अब आगे लिखा है कि कोई बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, नो सन आर एजुकेटेड, तो कोई भी बेटा पढ़ा लिखा नहीं है तो भैया एजुकेटेड को इधर बना दो, पढ़ा लिखा है ना एजुकेटेड, तो भैया इनका इनका, क्योंकि कोई भी पुत्र पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको अलग ही कर दो। अब देखो पहला क्या, हाँ पर गलती हुई, सभी बेटे शिक्षित हैं, तो बेटा सारे के सारे बेटे शिक्षित नहीं है, मतलब पहला तो सीधा सीधा गलत है। दूसरा क्या है, कोई भी पिता शिक्षित नहीं है, तो कोई भी पापा शिक्षित नहीं है, बात तो सही है, तो ये तो सही बोला है ना, तो सेकंड वाला तो सही था। सेकंड वाले में क्या गलती थी दोस्त, सेकंड वाले में क्या गलती थी, आपने डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा है कि नो फादर्स आर एजुकेटेड, तो नो फादर्स आर एजुकेटेड बात तो सही है, ये एजुकेटेड है ही नहीं, तो भैया पहला वाला गलत था। पहले वाले में लिखा था ऑल सन्स आर एजुकेटेड, क्या सारे के सारे सन एजुकेटेड हैं? नहीं साहब, ये गलत है, सीधा सीधा गलत था। तो इसका जो परफेक्ट आंसर था बेटा कि फर्स्ट वाला तो क्या है गलत, सेकंड वाला सही है, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो बी ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो बी वाला ऑप्शन परफेक्ट था। डी अभी भी गलत है, डी अभी भी गलत है दोस्त। चले चलो भाई अगला आओ, जरा पढ़ो इस क्वेश्चन को, और यही क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को ना परेशान करेगा। क्या लिखा है सर, आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा है और कुछ कंक्लूजन लिखे हैं, और ये स्टेटमेंट फॉर्म वाले हैं, नो सन टू फादर भी तो नहीं होगा। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, हाँ जी तुमने तो यार, ओहो सरपंच साहब तुमने तो फंसा ही दिया। All fathers are son. All fathers are son. ठीक है? No son are educated. No son are educated. तो दोस्त ये तो हो जाएगा डायग्राम। All sons are educated. All sons are educated. सीधा सीधा गलत है। सेकंड में लिखा है No fathers are educated. No fathers are educated. बात तो सही है, तो सेकंड तो सही है यार। क्या बात कर रहे हो तुम दोस्त? हल्के में ले रहे हो भाई। चलो। अगला देखो क्या लिखा है, स्टेटमेंट पढ़ना ध्यान से। भारत में महिला संगठनों ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए औद्योगिक रोजगार नियम 1946 में संशोधन का स्वागत किया है, है ना। देखो उन्होंने यह कि कोई महिला एक मोर्चा संगठन रहा होगा, उसने कहीं पर अगर महिलाओं के प्रति उत्पीड़न हो रहा है तो उस कार्यस्थल पर जाके, और एक नियम था, कौन सा नियम, रोजगार नियम 1946 में जो भी संशोधन हुआ है उसका उस महिला मोर्चा ने स्वागत किया है कि नहीं बहुत अच्छा निर्णय लिया है, इससे भारतवर्ष में जो भी महिलाओं पर यौन उत्पीड़न हो रहा है उसमें कमी आएगी, स्वागत किया है इस फैसले का। ये तो क्या है भाई साहब, स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन निकालो, इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको निकालना है। तो पहला लिखा है कि अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिक प्रचलित है। मतलब ये बोला गया है कि बाकी अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न अधिक प्रचलित है, मतलब ज्यादा प्रचलित हो गया है। तो पहला सही है कि गलत है? तो बेटा देखो, पहली चीज तो हमें किसी दूसरे देशों के साथ तुलना करनी ही नहीं है, हमेशा हमने पढ़ाया हुआ है कि कंक्लूजन में इधर किसी के साथ तुलना थोड़ी की गई है दोस्त। तो तुलना हमें कोई भी देश क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, हमको क्या लेना देना, हमें अपना स्टैंड लेना है। तो पहला तो सीधा सीधा क्या है, गलत। ठीक है,
दूसरा देखो क्या लिखा है, ऐसी समस्याओं से बचने के लिए भारत में कई संगठन महिलाओं की भर्ती बंद कर देंगे। मतलब ऐसा है कि यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए जितनी भी इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्राइवेट सेक्टर है, वहां पर महिलाओं की भर्ती बंद कर देंगे। भैया हम अब महिलाओं कर्मचारियों की भर्ती नहीं करेंगे क्योंकि यौन उत्पीड़न होता है। बात ये भी गलत है क्योंकि ऐसा बिल्कुल रियल लाइफ में बेटा पॉसिबल नहीं है। इधर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था किसी को या किसी संस्था के द्वारा महिलाओं को बैन करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं बात बोली गई थी। तो दोनों के दोनों क्या है, गलत। और दोनों गलत है तो बेटा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर सेकेंड फॉलो। तो सही वाला क्या हो जाएगा, सही, दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत ही कंक्लूजन है। ठीक है, अनाया प्रिय आशीष ऋषभ राज विशाखा वर्षा यश द्विवेदी अनुश्री पटेल मधु वाह पंडित जी छा गए भैया तुम लोग, नेक्स्ट आगे आओ भाई बताओ जरा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र नाक हाथ और शरीर के बीच संबंध को डिनोट करता है। आपके सामने चार वेन डायग्राम लिखे हुए हैं, बहुत बढ़िया। इन चारों में से बताओ कौन सा वो डायग्राम है जो नोज हैंड और बॉडी के लिए परफेक्ट सुइटेबल है। कौन सा परफेक्ट सुइटेबल है, देखो अच्छे से कीजिएगा बेटा इस क्वेश्चन को बहुत जल्दबाजी में। प्रिया हेमी यश ओके वर्षा ऋषभ राज रोहित फौजी विशाखा द्विवेदी साहब यस वेरी गुड, बी लगा रहे हैं। देखो सही बात है, ये हो गई बॉडी और भैया बॉडी के अंदर ये नोज हो गया और ये हैंड हो गया, और नोज और हैंड का कोई रिलेशन है नहीं क्योंकि एक दूसरे के नाम से किसी को हम बोला नहीं जा सकता, ना ही बुलाया जा सकता है। और जब भी किसी को भी एक दूसरे के नाम से नहीं बुला सके तो यकीनन मानो उसमें नो का ही रिलेशन है, फिर किसका रिलेशन है, नो का रिलेशन है। ठीक है बच्चे, चले अगला क्वेश्चन देखें जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वृत्त वर्ग और त्रिभुज के बीच संबंध को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट द रिलेशन अमंग सर्कल स्क्वायर एंड ट्रायंगल। किस किस को बेटा, सर्कल स्क्वायर एंड ट्रायंगल, इन तीनों के लिए कौन सा डायग्राम है जो डिनोट कर रहा है। डी 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 सही बात है। देखो मान लो ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, और इन एक दूसरे के नाम से बुला भी नहीं सकते, तो परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साहब, डी हो जाएगा। इसमें तो कोई बड़ी समस्या नहीं थी। समस्या देखो अब धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे बेटा आप समस्याएं आपकी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर क्या दिया गया है, आपके सामने ना चार फिगर दिए गए, उन चारों में बेटा तीन एक जैसे हैं, एक फिगर अलग है, वो अलग फिगर आपको छांटना है कि वो अलग फिगर कौन सा हो जाएगा, ए बी सी और डी। ध्यान से कीजिएगा, ऑड वन आउट है बेटा, क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ऑड वन आउट भी बोल सकते हैं। बहुत जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है कि भैया जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा वैसे ही फटाक से आंसर दे दिए। दो चार सेकंड तो कम से कम एटलीस्ट सोचो कि इनके बीच में है क्या, इनके बीच में ऐसा है क्या। तो भैया एक बात बताओ मुझे, ध्यान से सुनना। हाँ जी सर, इसमें दो इक्वली डिवीजन है, इसमें भी दो इक्वली, इसमें भी दो इक्वली, और इसमें बेटा चार है, मतलब यही हमें सबसे अलग दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान परी बोले कि सर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, बताओ अब क्या करें इनका। हाँ जी प्रभु जी ऐसा मत करो। अगला क्वेश्चन चलो भाई, चार फिगर है, तीन एक जैसे हैं, एक अलग वो फिगर है, बताओ जरा कौन सा हो जाएगा। हाँ डायगोनल क्रॉस भी था, ये भी आप बोल सकते हो। गोविंद मधु बरसा द्विवेदी जी ओके, राजपूत जी ऋषभ राज विशाखा जबरदस्त भैया छा गए तुम तो, सी 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 आंसर, सारे बच्चे सी दे रहे हैं कि सी होना चाहिए, किस बेस पे सी देख रहे हैं। देखो यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं, बट इसमें ना लाइन है बेटा, और ये लाइन और बाकी किसी में नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आप लोगों ने आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, बताओ भाई इसमें अलग क्या है, तीन एक जैसे होंगे एक अलग होगा, वो अलग कौन सा है फाइंड आउट करो। तीन एक जैसे ही एक अलग है बच्चे, वो अलग आपको फाइंड आउट करना है, कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्त। नीलम भारती रोहित फौजी वर्षा विशाखा ऋषभ राज भैया जबरदस्त, सी लगा रहे हैं। अच्छा कुछ बच्चे डी भी लगा रहे हैं, भाई बहुत ध्यान से देखो इसका आंसर क्या होने वाला है।
ज्ञानपरी दे रहे हैं सर, डी होना चाहिए, अनुश्री भी डी। तो देखो दोस्त एक बात बताओ, इसमें ये है आवर एंड, ये है मिनट एंड, ये है मिनट एंड, ये आवर एंड, ये मिनट एंड और ये आवर एंड, और इसमें देता हूँ दोनों बेटा मिनट एंड है, दोनों मिनट की सुई है बराबर, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर डी था। लो अब मुझे ये बताओ, इस डायग्राम में इन चारों में से कौन सी इमेज दिखाई दे रही है, इस डायग्राम में इन चारों में से कौन सी इमेज दिखाई दे रही है बेटा, ये फिगर कंप्लीशन वाला और एम्बेडेड फिगर, आपको जो बोलना हो वो बोल सकते हो। इस वाले फिगर में इन चारों में से कौन सी इमेज यहाँ परफेक्ट दिखाई दे रही है, बस याद रखना रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेशन अलाउड नहीं, आपको रोटेट नहीं करानी है, ठीक है। सी 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 आंसर लगाना शुरू किए हैं कि गुरुजी ने सी होना चाहिए, चलो चेक कर लेते हैं कि सी सही है कि गलत है। बेटा आपके अनुसार ये ना छाते जैसा होना चाहिए, तो दोस्त ना छाते जैसा तो ये हमको दिखाई दे रहा है, बीच में नीचे से ऐसे डंडी भी होना चाहिए सर, नीचे से ऐसे डंडी भी है, बिल्कुल किसमें दिखाई दे रहा है, सी में, किसमें दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जरा मुझे बताओ इस फिगर में इन चारों में से कौन सी दिखाई दे रही है, ध्यान पूर्वक देखना बेटा, है ना, जल्दबाजी में आंसर ना लगाना। आर्मी एसएफ कमांडो हेमी दीवान राज ठाकुर विशाखा मधु नीलम आशीष अनाया, ठीक है बहुत बढ़िया जबरदस्त भैया, क्या होने वाला है इसका आंसर जरा देखें, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सर बी 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 करेक्ट बता रहे हैं कि सर बी करेक्ट बता रहे हैं, अभी भी देख लो भैया बी के अलावा कोई और ऑप्शन तो नहीं है। हाँ जी रोटेशन इज नॉट अलाउड, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे चेक कर लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर इसमें बी बी है और डी बी लग रहा है। हाँ जी देखो कैसे, अगर मैं इसको लेके चलूं भाई, इसको इस तरीके से नीचे ये इमेज बन रही है, तो यहाँ पर बच्चे ना ये इमेज बन रही है, नो डाउट इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था, ऊपर गए और इस साइड है, ऊपर गए और इस साइड है, अच्छा इसमें भी तो सेम इमेज बन रही थी, बात तो सही है गुरुजी, और इस साइड भी है तो इसमें इस साइड भी है, मतलब इसमें तो लगभग दो फिगर बन रहे, इसमें तो हाँ कुछ ना कुछ तो इसमें भैया डिफरेंट नजर नहीं आ रहा है, लगभग दोनों इमेज हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों को इनके अलावा कोई भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो मुझे तो दोनों लग रहे हैं बेटा, हाँ बी और डी करेक्ट लग रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में बोर्ड में ना पास से थोड़ा सा सही नहीं दिखता, हो सकता हो कैमरे में बढ़िया विजिबल हो, एक सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ दोनों ही दिखाई दे रहे हैं मुझे, बी और डी ऐसे ही लग रहे हैं, ठीक है करेक्शन। चलो नेक्स्ट आगे आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 16, इस वाले फिगर में इन चारों में से कौन सा फिगर दिखाई दे रहा है, ढूंढो जरा इन चारों फिगर में कौन सा फिगर है जो यहां से दूर से भी नहीं दिख रहा है मुझे, तो अब मैं क्या करूं बताओ बेटा, चश्मे थोड़ी बटवा दूं मैं, मुझे खुद यहाँ दो तीन चश्मों की जरूरत है। आशीष हेमी अनुश्री ठीक है, प्रिया यश वर्षा विशाखा पटेल साहब पंडित जी, देखो सारे आ गए भैया, मजाक थोड़ी है, नीलम भारती सी 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 सी, दीवान राज ठाकुर बोल रहा है सर ए बी सी, अब बताओ इसको तुम लोग कूटोगे या मैं कूटूं। अरे भाई साहब जैसा एज इट इज बनना था, देखो ये एज इट इज बनता हुआ कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है कहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में। अरे भाई ये नहीं लगाना है आपको एज इट इज, आपको पहले चेक करना है रोटेशन इज नॉट अलाउड, मैं फिर बोला हूँ रोटेशन अलाउ नहीं करना है, आप देखो अगर आप ऐसे चेक करोगे तो ऐसा नहीं बन रहा है, इसमें ऐसे था बस, ये वाला था ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर है। चलो भाई इस फिगर को कंप्लीट करो, फिगर कंप्लीशन है, डी भी तो है, बताओ अब क्या करें, प्रभु जी बोल रहे हैं डी भी तो है कि सर डी होना चाहिए, एंगल नहीं आपको चेक हो रहा है भैया, एंगल नहीं चेक हो रहा था तुमको, चलो अगला इसका बताओ जरा, डी 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 सारे बच्चे डी लगा रहे हैं भाई कि डी होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ यहाँ से है ना, देखो लास्ट में ये सर्कल चाहिए, तो भाई सर्कल है सर्कल है सर्कल है सर्कल है भाई, यहाँ से एक लाइन दो लाइन
तीन लाइन और चार लाइन, और सीधी सीधी लाइन चाहिए, इसमें तो उल्टी है, इसमें एकदम ही उल्टी है, इसमें गोल है, तो बचा क्या है? ऑप्शन नंबर डी बचा क्या था? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसको कंप्लीट करो, इस फिगर को कंप्लीट करो कि इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ए बी सी और डी, इस फिगर को जरा कंप्लीट करके देखिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी और डी में बेटा ना बहुत ध्यान से देखना, कई बार जल्दबाजी में आंसर गलत होता है। देखो कुछ बच्चे बी लगा रहे हैं कि सर बी होना चाहिए, कुछ बच्चे ए लगा रहे हैं, ए वालों की संख्या ना ज्यादा दिख रही है, बी वालों की संख्या बहुत कम दिख रही है मुझे। देखो भाई एक बात बताओ, इसको कंप्लीट करो, पहले ये स्क्वायर हो जाएगा, सर बात तो सही, यहाँ से लाइन हो जाएगी, तो ऐसे तो इसमें ही दिखाई दे रहा था, बाकी इसमें है नहीं, इसमें तो दोनों तरफ से है, इसमें भी ऊपर की तरफ है, तो बचा क्या था? ऑप्शन नंबर ए। अरे बचा क्या था? ऑप्शन नंबर ए। ये फोर रन आया। चलो भाई अगला, इस डायग्राम को कंप्लीट करो, कौन सा फिगर यहाँ पर हम रखें कि ये डायग्राम कंप्लीट हो जाए, थोड़ा ध्यान पूर्वक देखना, बहुत जल्दबाजी में आंसर नहीं लगाना दोस्त। द्विवेदी, आशीष, ऋषभ, नीलम, भारती, ओके, मधु, कनिष्का, लगाओ भाई। कुलजीत बोला है सर ए ए ए ए लगाना चाहिए, जल्दबाजी में गलत आंसर ना दे देना, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ध्यान पूर्वक देखो। सर एक बात बताओ, यहाँ पर हर्ट बना, यहाँ पर हर्ट, तो यकीन मानो यहाँ पर हर्ट बन रहा है, तो इस साइड चाहिए सर, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसमें नहीं है, हटा दो। अब आ जाओ सर इधर पे चाहिए, इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन एक बात बताओ, ये सर्कल अगर मैं ये पूरा कर दूं, ये लाइन इधर थे तो ये लाइन इधर चाहिए, तो इधर सर्कल में पूरी लाइन इसमें है, सर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, हटा दो। बचा क्या था? ऑप्शन नंबर ए। बचा क्या था? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ जी, बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। लो, डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप के साथ है, तो उसी प्रकार पेंटर का संबंध किसके साथ हो जाएगा? पेंटिंग, ब्रश, एग्जीबिशन और आर्ट, यानी कि कला। अब जरा बताना बच्चे इसका क्या हो जाएगा। डॉक्टर इज रिलेटेड टू स्टेथोस्कोप इन द सेम वे इज पेंटर इज रिलेटेड टू व्हाट, किससे रिलेटेड हो जाएगा? बी बी ब्रश, 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 बिल्कुल सही है। देखो डॉक्टर का एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्टेथोस्कोप, है ना, जिसके द्वारा हार्ट बीट मापता है, पता ही होना चाहिए आपको। तो जो पेंटर होता है वो किसका उपयोग करता है? ब्रश का उपयोग करता है पेंटिंग करने के लिए। अगला हो भाई, देख लो क्या लिखा है। भैया यदि इन लेटर्स का संबंध इन लेटर्स के साथ है, तो इनका संबंध बताओ जरा किसके साथ हो जाएगा, बताओ जरा किसके साथ हो जाएगा। आस्किंग अबाउट इंस्ट्रूमेंट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सही कहा, बट इसका परफेक्ट तो लगाओ आंसर। क्या होगा भाई? डी आर आई वी ई एन का संबंध है एन ई वी आई आर डी के साथ। डी 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 डी, बहुत सारे बच्चे डी लगा रहे हैं भाई, इसमें है क्या ऐसा कि तुम लोगों ने इतना जल्दी आंसर लगा लिया? तो मुझे ना गुरुजी एक समझ में आ रही है, एक चीज समझ में क्या आ रही है कि सर इधर डी आर आई वी ई एन है तो उल्टे लिखे हैं, पहले देखो एन, फिर वी, फिर ई, फिर आई, फिर आर और फिर डी, उल्टे लिख दिए लेटर को ऐसे, तो इसको ऐसे लिख दो एम यू जी ई बी, किसमें था? ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में, एकदम सिंपल सा था। तुम लोगों की अलग ही लीलाएं चलती हैं भैया। चलो भाई, आठ का संबंध 56 के साथ है, तो 9 का संबंध किसके साथ हो जाएगा? हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है, इतना सरल भी मत ले लेना, आपको लग रहा हो कि बहुत अच्छा है तो करो भाई भी बहुत अच्छा क्वेश्चन को। बी 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 63 63 63, फिर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे के चक्कर में सारे ना निपट जाना, बहुत अच्छे के चक्कर में सारे के सारे निपट ना जाना, 63 लगा रहे हैं सारे की। ठीक है, बताओ भाई है कोई इसका परफेक्ट आंसर? ए बी सी डी कोई तो लगाओ भाई। बी फोर बनाना, अच्छा चलो भाई, 8 7 56 तो 9 7 63, इतना तो लॉजिक इसमें लगना था। अब ये देख लो,
एबीसी का रिलेशन एक दो तीन के साथ है, तो ई एफ जी का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा? हाँ जी, नीलम, यश, वर्षा, विशाखा, अनाया, ऋषभ, राज, आशीष, संदीप, प्रिया। हाँ जी, अब देखो आगे कुलदीप, कुलजीत, जाट साहब, बिल्कुल ए। अच्छा, इसमें भी कुछ बी लगा रहे हैं भाई, इसमें भी कहाँ से आ जाएगा भाई? देखो ये इसकी प्लेस वैल्यू है, एक, ये दो, ये तीन, तो ये पांच, ये छह, ये सात, पांच छह सात, किसमें था? ऑप्शन नंबर ए में। पांच छह सात किसमें था? ऑप्शन नंबर ए में। ऐसे तो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, आप बताओ। अगर इसके बाद भी रीजनिंग तुमसे नहीं बनती है तो भैया पढ़ाई वढ़ाई छोड़ छाड़ के घर बैठ जाओ, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ छाड़ के घर बैठ जाओ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। चलो भाई, चार एक जैसे वर्ड हैं, इनमें तीन तो एक जैसे हैं, एक अलग है, एक किसी ना किसी सीरीज को अलग फॉलो से नहीं कर रहा होगा, वो बताओ जरा। फुटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, और एक है बिलियर्ड्स। डी 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 डी, ये सारे आउटडोर गेम्स है भाई, ये सारे के सारे बच्चे क्या है? आउटडोर गेम्स है। और ये क्या है बच्चे? ये इंडोर है, इंडोर गेम्स है। क्लियर है? तो डी वाला एकदम परफेक्ट है। चलो भाई, टोकरी, बैरल, बैग और बैरो, क्या हो जाएगा? टोकरी, बैरल, बैग और बोरो। बी 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 बी, टोकरी, बैरल, बैग, बैरो। हाँ जी, टोकरी, बैरल और बैग, तो ये आदमी के द्वारा टेकन किया जाता है, ये कंटेनर है। लो भाई, इसमें भी बी लगा रहे हैं, बताओ इसमें भी क्या लगा रहे हैं? बी लगा रहे हैं। धन्य हो प्रभु, झोला वोला नहीं समझते घर के। इसका बताओ जरा, महान, गीजर, इशारा, बदला। सही मायने में पढ़ने वाला बंदा इसका आंसर दे देगा, देखना जरा क्या होगा। महान, गीजर, इशारा और बदला, तीन एक जैसे, एक अलग है, तीन एक जैसे हैं और एक अलग है, क्या हो जाएगा? अच्छा, गीजर लगा रहे, मुझे पता था तुम लोग वही लगाओगे। और अभी एक ठो धमकी दे दे रहा हूँ ना एक दोस्त के, तो आंसर बिगड़ जाएंगे, अभी एक दो के आंसर तो बिगड़ जाएंगे। प्रिया, कुलजीत, आशीष, यश, ऋषभ राज, वर्षा, मानसी, हेमी, प्रिया, पवार, ऋषभ राज, इंसान एक्टिविटीज हैं। वाह 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 वाह, बॉस क्या कविता कही। ये बात बताओ भैया, गीजर को हम टच कर सकते हैं, महान, इशारा, बदला, ये इंटरनली क्वालिटी है, बट गीजर कोई क्वालिटी नहीं है, इट्स अ इंस्ट्रूमेंट, समझ रहे हो? तो बी ही होना चाहिए, जबरदस्त। लो भाई, अब फंसे, क्या लिखा? चूज द करेक्ट मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग सीरीज। ये लेटर सीरीज कहलाती है, ये क्या कहलाती है बच्चे? लेटर सीरीज कहलाती है। और लेटर सीरीज में देखो, जितने भी जगह पर ये स्पेस वाला सिंबल दिया गया है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा है, मतलब यहाँ पर दो अक्षर आएंगे, है ना। अब आपको ना इनके बीच में ये चारों पांचों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पर फिट करना है, तो एक सीरीज कंप्लीट बन जाएगी, एक सीरीज कंप्लीट बन जाएगी। तो वो सीरीज बनेगी क्या? अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्त, तो विद स्पेस इंक्लूडिंग इनको काउंट करते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह। अच्छा, तेरह है बेटा, अगर बारह होता ना तो या तो तीन का हम पेयर बनाते या चार का बनाते, लेकिन तेरह है ना, मतलब इलॉजिकल है, तेरह है तो इलॉजिकल है। अब तेरह का तो कोई पेयर नहीं बनता, लेकिन ना दोस्त घबराने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए भी अपने पास एक रामायण इलाज है। रामायण इलाज कैसा है कि सर, अगर मैं इधर बताऊं आपसे कि देखो इधर डबल ए है, इधर डबल बी है, तो हो सकता हो फिर से डबल ए हो, फिर डबल बी, फिर डबल सी, फिर डबल ए, फिर डबल यहाँ बी हो, क्योंकि यहाँ दो चाहिए थे, फिर यहाँ सी हो और फिर डबल ए हो, तो ये तो सीरीज बन रही थी। और अगर ये सीरीज बन रही तो अपन ने क्या भरा है? ए सी ए डबल बी, ए सी ए डबल बी और लास्ट में सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर क्या अपने को भरना था? ए वाला। क्यों? क्योंकि हमने कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर देखा कि सर यहाँ डबल ए था, यहाँ डबल बी था, तो यकीन मानो कोई कोई लेटर डबल डबल होंगे, तो इधर डबल ए रख के देख लो, क्योंकि सारे ए से शुरू हो रहे थे, तो हमने डबल ए डबल बी, तो हो सकता हो फिर डबल सी हो, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, सीरीज बन रही थी। लो भाई, अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन लिखा है, डिकोड होने पर ओ पी टी आर आर ई को पी ओ आर टी ई आर लिखा जाता है। यानी इसको डिकोड करने पर ये पढ़ा जाता है, तो दोस्त ना इसको डिकोड करो, निम्नलिखित को डिकोड करो। किसको डिकोड करना था भाई? पॉटर को। इसको इसको डिकोड करो जरा, क्या हो जाएगा? है कोई इसका परफेक्ट? डी 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 डी। अरे यार तुम तो होशियार आदमी हो, बस इसी तरीके के आंसर चाहिए वहां एग्जाम में भी। इसी तरीके के अगर आंसर एग्जाम में आ गए ना दोस्त, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। रीजनिंग को तो नचा देंगे, और रीजनिंग नाचेगी किसके दम पर? प्रैक्टिस के दम पर। देख लो कैसे भाई, इधर पहले पी लिखा है, फिर वो लिखा है, फिर आर, फिर टी, ठीक है, फिर बेटा ई, फिर आर, मतलब एक्सचेंज किया हुआ है, तो ये आर फिर ई, तो हो जाएगा आर ई पी ओ आर टी, रिपोर्ट हो जाएगा दोस्त नंबर डी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, अगला क्वेश्चन देख लो भाई। यदि गणित में एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार छह सात आठ को क्या लिखा जाता? अच्छा बेटा ना यहाँ मैथमेटिक्स से लिखना था, गलती कर दी है, इंग्लिश में देख लो। इन लेटर्स को बेटा ये कहा जाता है, तो उसी में महात्मा को क्या कहा जाएगा? महात्मा को क्या कहा जाएगा? थोड़ा बहुत इंग्लिश में भाई साहब, हिंदी वाला यही तो गलती होती है, इंग्लिश से थोड़ा देख लिया करो, इंग्लिश में परफेक्ट रहता है, इंग्लिश में परफेक्ट रहता है। यदि मैथमेटिक्स का कोड वो है, तो महात्मा का कोड क्या होना चाहिए? महात्मा का कोड जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। मानसी चौधरी, यस द्विवेदी, कनिष्का नागर, ऋषभ राज बोल रहे हैं भाई साहब की डी होना चाहिए। अब डी सही है या गलत है ये तो दोस्त देखने के बाद ही पता चलेगा कि आपके द्वारा दिया गया सुंदर सा क्वेश्चन सही है या गलत है। हाँ भाई क्या लगाया आप लोगों ने? डी लगा रहे हैं कि सर डी होना चाहिए, चेक करते हैं। देखो बेटा एक बात बताना है ना, पहले वाले का कोड पहला ही कोड है ना, तो इधर देखो एम का कोड तो पहले पे था, तो पहले पर तो एम का कोड एक, तो एक से शुरू होगा। बेटा दूसरा है ए, ए का कोड इधर भी ए है दूसरा वाला, तो दो। एच, एच का कोड भैया एक दो तीन चार, चौथे नंबर पे एच है, एक दो तीन चार, चौथे नंबर पे चार, एच का कितना हो जाएगा? चार, ठीक है दोस्त। तो 124, 123, 123, 124 है। आगे आ जाओ भाई, ए का कोड ऑलरेडी पता है दो है, टी का कोड देखो, तो भैया टी एक दो तीन, तीसरे नंबर पे है, तो एक दो तीन, तीसरे नंबर पे तीन, तो भैया 124, 23, 124, 25 ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। देख लो टी का कोड कितना चाहिए? तीन चाहिए, तो भैया फिर तीन इसमें नहीं है, यहाँ पांच है बेटा, तीन इधर है, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट है। डी आप लोगों ने गलत लगाया है, क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट है, इनका तो सेम कोड दिया गया था। लो जरा करो, पूरा एक मिनट है इस क्वेश्चन के लिए, पूरा पूरा आपके पास एक मिनट है। दीपक सीधे पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, चलने दो, 75 मीटर चलने के बाद वह लेफ्ट ओर मुड़ता है और सीधे 25 मीटर चलता है, फिर से वह लेफ्ट ओर मुड़ता है और 40 मीटर की दूरी सीधे चलता है, फिर से वह लेफ्ट मुड़ता है और 25 मीटर की दूरी तक चलता है, अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? पैंतीस, पैंतीस, पैंतीस आंसर आना स्टार्ट हो गया सर, 35 हो जाएगा। हाँ जी 35 लगा रहे कि सर 35 हो जाएगा, चेक करें, सभी का आंसर 35 ही आ रहा है। दीपक सीधे पूर्व की ओर चलना शुरू करता है 75 मीटर, तो भैया यहाँ से पूर्व की ओर 75 मीटर चला, ये हो गया 75 मीटर, यहाँ पर खड़ा हो गया, उसके बाद लेफ्ट ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, लेफ्ट कहाँ होगा? ऊपर की तरफ, कितना चलेगा बेटा? 25 मीटर, यहाँ आके रुक गया, फिर से वह लेफ्ट मुड़ता है और 40 मीटर, फिर से लेफ्ट मुड़ेगा और 40 मीटर, तो बेटा यहाँ आके वो रुक गया, फिर से वह लेफ्ट और मुड़ता है 25 मीटर, अब फिर से लेफ्ट मुड़ेगा तो नीचे जाएगा, ये 25 है तो ये 25 इधर आ गया, तो ये 25 था, अब यहाँ से ये पूरा 75 था, ये बेटा 40 है तो ये भी 40 होगा, तो ये 40 है तो बचा हुआ 35 ही होगा ना। अब आपसे पूछा क्या गया था,
कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये आरंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, ये इसके बीच की दूरी कितनी है, 35, कितनी है 35, ठीक है। चलो भाई बताओ आगे क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पशु, कुत्ते और पालतू जानवर के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पशु कुत्ते और पालतू जानवर इनका आपको वेन डायग्राम बनाना है। कौन कौन है? एनिमल डॉग और पेट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। जाट साहब, अनुश्री, हेमी, सी 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 सी। बस देखते ही आंसर बने यही चाहिए था दोस्त, देखते ही आंसर बने सही चाहिए था। देखो ये है एनिमल, सही बात है बेटा, और एनिमल के अंदर एक तरफ आ जाएगा डॉग, एक तरफ आ जाएगा पेट। सारे के सारे पेट नहीं होते, सारे पेट डॉग नहीं होते, सारे डॉग पेट नहीं होते, तो सम तो होता है ना, तो इनके बीच में सम का रिलेशन है और ये दोनों हैं एनिमल, पेट भी एनिमल है, डॉग भी एनिमल है, ठीक है। तो सी वाला एकदम परफेक्ट था। अब देखो इनको आपको ना दोनों तरफ से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है दोस्त, आप देखते ही आंसर निकाल पा रहे हो। क्यों निकाल पा रहे हो? क्योंकि आपको अब वो चीजें दिमाग में क्लिक होना शुरू हो गई हैं, क्लिक होना शुरू हो गए। देख लो क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग ओशियन शिप एंड सेलर, महासागर जहाज और नाविक, नाविक जहाज और महासागर, ठीक है। इसका बताओ जरा क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। देखो याद करो, जब आपको वेन डायग्राम पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हमेशा प्लेस की बात की जाए, जगह की बात की जाए, तो ऑल का ही रिलेशन डेवलप करना होता है। किसका? ऑल का रिलेशन डेवलप करना होता है। सी 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 सारे करेक्ट। चलो भैया सी सही लगा रहे हैं। ये हो गया ओशियन, ओशियन में हो जाएगी कौन सी शिप, और शिप के अंदर हो जाएगा सेलर, यानी कि नाविक जो चलाता है शिप को, ठीक है बेटा, परफेक्ट था। अगला क्वेश्चन आ जाओ, जरा बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई। इसमें पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है नो कॉइन इज अ डॉलर, कोई भी कॉइन डॉलर नहीं है, अलग अलग बना दो, अलग अलग इसको क्या कर दो बच्चे, बना दो। सेकंड लिखा है रेड टोकन इज अ कॉइन, रेड टोकन जो है ना वो कॉइन है। अच्छा आगे और लिखना था बेटा, इसको क्या लिखना था, और लिखना था। अब ऑल सही है या गलत है ये तो देखने के बाद ही सही पता चलेगा। अच्छा दोनों सही, देखो ऑप्शन नंबर ए तभी लगाना है जब पहला सही हो, ऑप्शन नंबर बी तभी लगाना जब दूसरा सही हो, दोनों गलत हो तो सी लगाना, दोनों सही हो तो डी लगाना। अब आपको बताना है कि इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तुम्हारे अनुसार सी लगा रहे हैं, सी में बोले तो मतलब दोनों गलत है, हाँ जी तुम्हारे अनुसार बोल रहे हैं कि सर सी और सी के अनुसार दोनों गलत है, हो सकता हो कि दोनों सही हो सकता हो कि एक सही हो। अच्छा एक डी लगा रहे हैं कि सर ना दोनों सही हैं, देखना है ना, अभी कुछ मत करना, केवल और केवल इधर देखना। इधर लिखा है नो कॉइन इज अ डॉलर, मतलब कोई भी कॉइन बेटा डॉलर नहीं है, छोड़ दो, कोई भी कॉइन डॉलर नहीं है, तो डॉलर को अलग बना दिया, सही है। सेकंड में ऑल रेड टोकन इज अ कॉइन, तो भैया कॉइन के अंदर आ जाएगा रेड टोकन। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि इधर लिखा रेड टोकन इज अ कॉइन, रेड टोकन क्या है, कॉइन है, तो कॉइन के अंदर आ जाएगा। अब देखो पहला क्या लिखा है, रेड टोकन इज नॉट अ डॉलर, रेड टोकन इज नॉट अ डॉलर, बात तो सही बोला है, इनमें के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो पहला तो सही है, पहला तो सही है। दूसरा देखो, रेड टोकन मे नॉट बी अ डॉलर, लाल टोकन एक डॉलर नहीं हो सकता। अच्छा जो लाल टोकन है एक डॉलर नहीं हो सकता, बेटा ये तो सीधा सीधा गलत है, ये तो सीधा सीधा क्या है, गलत है, क्योंकि पॉसिबिलिटी के साथ जब भी बात की जाती है ना तो हमेशा गलत ही आपको साबित होती है, हमेशा, ठीक है, हाँ तो गलत ही होती है। तो पहला वाला तो क्या है, सही, और पहला वाला सही है तो डेफिनेटली फिर आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना था, ऑप्शन नंबर अधूरा बिल्कुल नहीं है,
बिल्कुल अधूरा नहीं है। देखो क्या लिखा है, लाल टोकन एक डॉलर नहीं हो सकता। देखो नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, नहीं ही है, पॉसिबिलिटी तो लेना ही नहीं है। मैं बोलूं कि आधा पेन मेरा है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि आधा मेरा नहीं है, तो पॉसिबिलिटी तो दोनों तरफ की रहती है, पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती है। मैं बेटा बुंदेलखंड से हूं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो, क्या लिखा है, एक स्टेटमेंट लिखा है और इस स्टेटमेंट में कुछ अजम्पशंस लिखे हुए हैं। अजम्पशंस मतलब इम्प्लिसिट है ना, ये अजम्पशन पूर्व अवधारणाएं बोली जाती हैं, और पूर्व अवधारणाएं हमेशा क्या होती हैं, अपने कथन के अनुसार चलना है आपको। कथन में जो बोले भैया उसी की बात को मान लो, चाहे वो सही बोला हो चाहे वो गलत बोला हो। उसका अगर तुमने ऑपोजिट यानी विरोध किया तो बेटा सीधा सीधा आंसर गलत ही होता है, इसका विरोध नहीं करना है। जैसा स्टेटमेंट बोलता जा रहा बस वैसे ही घूमते जाओ, सही होगा आंसर, वैसे क्या होते जाओ, घूमते जाओ आंसर। ठीक है, लो बताओ इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई, लाइक तुम लोग कर नहीं रहे हो, लाइक के लिए तुम लोगों का बूंदी रायता बटवाऊं। हां जी जाट साहब, विशाखा, हर्षित, मधु, अनुश्री, वर्षा, ठीक है। सी 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 आंसर लगा रहे हैं सर, सी होना चाहिए, देख लेते हैं भैया सी सही है कि गलत है। देख लेते हैं इसका आंसर सही है कि गलत है। हाँ जी चलो, देखना पढ़ना है ना, अजम्पशंस में आपको ना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना है, भगवान मान के चलो इस स्टेटमेंट को कि यही हमारे लिए अभी के लिए भगवान है। एक्स ब्रांड के जूते का प्रयोग करें, देखो कोई भी एक कंपनी के एक ब्रांड के जूते हैं, मान लीजिए एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी ब्रांड के जूते का प्रयोग करें, वे सभी आकारों में उपलब्ध है, मतलब वो जूते सारे आकारों में उपलब्ध हैं और लंबे समय तक चलते हैं। अखबार ए में उन्होंने एक विज्ञापन दिया, एक किसी शहर में अखबार ए नामक चलता था, उसमें एक विज्ञापन लिखा कि एक्स कंपनी के ब्रांड के जूते पहने, वो सभी आकार में उपलब्ध भी है और साथ ही लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है चल, फिर आगे आता है कि सर पहला अजम्पशंस, बहुत कम लोग अखबार में विज्ञापन पढ़ते हैं। देखो दोस्त एक बात बताओ, इसने अखबार में अगर विज्ञापन दिया है तो यकीनन इसको विश्वास होगा कि अखबार बहुत लोग पढ़ते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं है कि बहुत कम लोग। भैया उसके अपोजिट में क्यों जा रहे हो, उसके अपोजिट में क्यों जा रहे हो, ठीक है, उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, क्यों जा रहे हो, तो आपको स्टेटमेंट के अपोजिट में जाना ही नहीं है, सीधी सी बात। दूसरा देखो क्या लिखा है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं अखबार ए, देखो क्यों, ऐसा तुमको क्यों पता है कि भैया बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ऐसी कोई तुम्हारे पास पुख्ता अगर जानकारी होती तो वो स्टेटमेंट में लिखता ना, वो स्टेटमेंट में लिखता, स्टेटमेंट का विरोध नहीं करना है। तो भैया अगर बहुत कम लोग वो अखबार पढ़ते हैं तो वो पागल थोड़ी होगा जो उसमें विज्ञापन देगा, तो दोनों के दोनों क्या है, अजम्पशंस गलत है, और दोनों गलत है तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलें भाई नेक्स्ट आगे आ जाओ भाई, बताओ जरा इसको पूरा फिल करो, इस इमेज को बेटा फिल करो, अरे भाई लड़ो मत, तुरंत तो लड़ाई शुरू हो जाती है, बस तलवारें नहीं चलती हैं, बाकी तो सब कर लेते हो तुम। चलो भाई ओके, देखो यहाँ पर भाई पहले तो इस फिगर को कंप्लीट करो, पहले तो इधर को, इस वाले फिगर को कंप्लीट करो, इधर कहीं दिख रहा है, हाँ जी सर डी वाले में, तो ऑप्शन नंबर सीधा सीधा डी था। ठीक है चलो,
नेक्स्ट आगे आ जाओ भाई, जरा बताओ इसकी जगह पे कौन से फिगर आएंगे, इसकी जगह पे कौन से फिगर आएंगे, ए बी सी और डी, चारों ऑप्शन को आप बहुत ध्यान से देखना है ना। तो कौन सा हो जाएगा जरा बताओ, एक दूसरे के देखना, आमने सामने आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में ट्राइंगल आपको चेक करना है कहां पर दिखाई दे रहे हैं, डी 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 डी। बहुत बढ़िया, सोनू ठाकुर बोल रहा है सर डी आना चाहिए। देखो ये एरो नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ, ये इस साइड है तो डेफिनेटली इस साइड होना चाहिए, तो इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, बचे किसमें था, डी में। अरे भाई किसमें बचा था, डी में, एग्जैक्टली। चले नेक्स्ट, क्या लिखा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल कंप्लीट द फिगर, इस फिगर को भी कंप्लीट करो। प्रिया, अनुश्री, वर्षा, ठीक है, सोनू, आशीष, है ना। अरे भाई तुम लोग यहाँ सीनियरिटी चेक कर रहे हो, कौन कितना सीनियर है, कौन कितना है, अपुन सबसे बड़ा है। क्या चाहते हो तुम लोग, एक दूसरे को बताओ, बड़ा सीनियर मान के बैठे हो, पढ़ाई वढ़ाई कर लो भैया, उधेड़े जाओगे वो बाद की बात है। तो बताओ जरा भैया इस फिगर को कंप्लीट करो, कौन सा होने वाला है, ऑप्शन ए बी सी और डी। डी 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 लगा रहे हैं। अच्छा देख लेते हैं गुरुजी बात सही है कि गलत है। एक बात बताओ, है ना, ये ट्रायंगल पूरा बनेगा तो भैया ट्रायंगल यहाँ तक जाएगा और ये लाइन इधर तक जाएगी और ये लाइन ऐसी आएगी, तो भाई इसमें भी दिखाई दे रहा है ना, इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है सर, इसमें है लेकिन ये वाली लाइन थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है, ये वाली भी नहीं है, तो बचा तो डी ही है दोस्त। क्या बच रहा है, डी ही बच रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली। नेक्स्ट आगे आ जाओ, चलो भाई फिल करो इसको कि कितने हो जाएगा, इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, परफेक्ट आंसर क्या होने वाला है, इस फिगर को जरा कंप्लीट करना बेटा। एक दो तीन चार, ए बी सी और डी, बी 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 बी, एग्जैक्टली बी 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 बी, सारे बच्चे आंसर लगा रहे भाई। अरे भाई इस साइड का चाहिए था, तो ये तो नीचे की तरफ है, ये इस साइड की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो इस साइड तो केवल एक ही दिखाई दे रहा था ना, बी में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 39, एग्जैक्टली ये एम्बेडेड फिगर है, क्या है, एम्बेडेड फिगर है, तो ये वाला जो फिगर है ना वो फाइंड आउट करो चारों फिगर में से कहां पर आपको दिखाई दे रहा है। बट एक चीज को आपको दिमाग में लेके चलना है, रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेशन अलाउड नहीं है, रोटेशन अलाउड नहीं है। देखो लगा रहे हो कि सर बी आना चाहिए, बी, भाई साहब इसी तरीके से प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपका काम करता रहा तो यकीनन एग्जाम निकलने में ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, जब आप वर्दी लेके तुरंत फटाफट से आ गए। चलें भाई, ये वाला फिगर कहां पर दिखाई दे रहा है इन चारों में, कनिष्का, आशीष, हर्षित, मधु, प्रिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, कुलजीत बी लगा रहे हैं। देखो ध्यानपूर्वक, जल्दबाजी में आंसर दिया गया गलत ही होता है, हर्षित बोल रहे हैं सर डी होना चाहिए। अब डी सही है हर्षित या गलत है बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान से देख, सी बस ऑप्शन बचा हुआ है जो अभी तक किसी ने नहीं दिया, बाकी सारे आंसर दे चुके हो आप लोग, बाकी सारे आंसर दे चुके हो, कोई सी बस नहीं लगा। देखो बी को क्या कर दो, लॉक कर दें, ठीक है, और सही मायने में बेटा बी ही है। देखो आप ऐसे ये ट्राइंगल देखोगे तो ट्राइंगल यहाँ पर ये बन रहा है, साथ में बीच ट्राइंगल से देखो क्रॉस बनता है, तो देखो इधर क्रॉस बन रहा है, इधर पर ट्राइंगल तो है बट क्रॉस नहीं बन रहा है, इधर क्रॉस नहीं बन रहा है, इधर ट्राइंगल में एक तरफ से क्रॉस है, तो बचेगा क्या, बी, बचेगा क्या, बी। चलो क्वेश्चन नंबर 41, आज तो भैया देखो मैथमेटिक्स की क्लास नहीं रहेगी, आज सर की थोड़ी सी तबीयत डाउन है बेटा, तो मैथमेटिक्स की क्लास नहीं रहेगी, रीजनिंग क्लास के बाद अपन खत्म करेंगे, ठीक है। चलो तो ये वाला फिगर आपको कहां पर दिखाई दे रहा है जरा चेक कीजिए, जरा चेक कीजिए इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ए ए ए ए ए, सारे बच्चे लगा रहे कि सर ए होना चाहिए, हाँ भाई परफेक्ट, परफेक्ट जबरदस्त भाई, देख लेना जिनको दिखाई देता होगा वही परफेक्ट आंसर लगाएगा, बोला है सर ए आएगा, सर ये वाली लाइन फिर इस वाली लाइन, ये वाली लाइन फिर इस साइड सर, ये साइड इस साइड फिर नीचे फिर इस साइड फिर इस साइड, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर ए में मुझे दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट अगला, ये वाला जो फिगर है इन चारों में से कहां पर दिखाई दे रहा है, कहां पर है, कुलजीत, अनुश्री, वर्षा, प्रिया, ठीक है, ऋषभ राज, कुलदीप, जॉर्ज साहब, ए बी सी डी, अच्छा किसी को डी में दिख रहा है, किसी को ए में भी दिख रहा है, अरे भाई ध्यान से देखना, इसमें तो छोटा सा बन रहा है दोस्त, डी में देखो एग्जैक्टली परफेक्ट बनाना है, देखो
लगभग लगभग पॉसिबिलिटी के साथ परफेक्ट, ऊपर भी लाइन नीचे भी लाइन इधर जीरो। अच्छा इधर नीचे ऊपर लाइन तो थी लेकिन ये छोटा सा बन रहा था और सही परफेक्ट किसमें दिखाई दे रहा था, डी में। परफेक्ट कहाँ दिखाई दे रहा था, डी में। तो आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 42। बताओ जरा टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन व्हेन फोर इज एट द बॉटम व्हाट नंबर विल बी ऑन द टॉप, ऑन द टॉप कौन सा हो जाएगा। तो भैया आपके सामने एक डाइस के दो फिगर दिए गए हैं, उसने ये बोला गया है कि यदि फोर टॉप पर है तो बॉटम में कौन सा हो जाएगा, यानी कि ठीक फोर का अपोजिट ही पूछ लिया है। तो फोर का अपोजिट इनमें से कौन हो जाएगा, एक दो चार और छह। ए ए ए ए ए ए ए बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। देखो जिन्होंने भैया मेरे से डाइस पढ़ा है तो उसको सॉल्व करने की वैसे भी जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि भैया एक दो तीन यहाँ पर कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, एक नंबर दो बार दिखाई दे रहा है तो इसका अपोजिट जो नहीं दिखाई दे रहा होगा वही होगा, तो चार है और चार का अपोजिट बेटा कौन है, ए। तो भैया वही तो पूछा का, यदि चार टॉप पर है तो बॉटम में कौन सा होगा, बॉटम में एक हो जाएगा, बॉटम में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए था। चलो जरा बताओ इन चारों में से अलग क्या है, इन चारों में से अलग क्या है, क्लासिफिकेशन है या ऑड वन आउट, आप जो समझो क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट, आप जो भी समझो इसका परफेक्ट आंसर बताओ भाई क्या होगा। हाँ जी बहुत ध्यान से देखना है ना, इन चारों में तीन में सिमिलरिटी है, एक अलग है, बस वो अलग ही आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा हो जाएगा। सी 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 गोविंद सिंह भी लगा रहे हैं सर, सी मधु लगा रही है ए। अरे भाई एक बात बताओ, ये दोनों डायग्राम सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है भाई सब, बी वाला एक बड़ा एक छोटा, तो यही तो अलग है। क्लासिफिकेशन में करना क्या है, छोटी छोटी चीजों को तो लेके वो डिफरेंस कर देता है। इनमें देख लो चारों में से तीन एक जैसे, एक अलग है, ढूंढना जरा। हेमी मधु कनिष्का वर्षा ऋषभ राज गोविंद विशाखा कुलजीत कनिष्का रोशनी शर्मा पंडित जी भी आ चुके हैं। चलो भाई लगाओ पंडित जी क्या हो जाएगा आंसर, इन चारों में से तीन में कोई ना कोई एक सिमिलरिटी है, एक अलग है, वो अलग शाउट करो कौन सा है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी। देखो जल्दबाजी में आंसर गलत ना देना बेटा, हम फिर बोल रहे हैं जल्दबाजी में आंसर गलत ही होगा। अब दिक्कत ये है कि दोस्त तुम लोग कन्फ्यूज आ गए हो कि हम लगाएं क्या, कुछ सी भी लगा रहे हैं कुछ डी भी लगा रहे हैं। तो एक बात बताना, इसमें कोई भी डायग्राम दो भागों में डिवाइड हो रहा है नहीं, ये तो पर्टिकुलर आधा आधा पार्ट है, ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है, लेकिन इधर देख रहे हो इसको ना दो भागों में डिवाइड किया है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया जबरदस्ती का आंसर लगाने से सही है कि भैया थोड़ा बहुत बुद्धि का उपयोग करो, है ना, बहुत आगे आगे बाह बाही लूटने के चक्कर में निपट जाओगे, तो थोड़ा बहुत भैया। क्वेश्चन नंबर 45 बताओ जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखूं जरा आपके हिसाब से देखूं इसका आंसर क्या हो जाएगा। नहीं नहीं अनुश्री सी नहीं हो सकता है। चलो भाई बताओ इन चारों में तीन एक जैसे, एक अलग है, वो अलग क्या है। ओके बी 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 आंसर लगा रहे हैं सर, बी होना चाहिए। चलो चेक कर ले, देखो जिस साइड ये ट्राइंगल है उसी साइड एरो है, जिस साइड ट्राइंगल उसी साइड एरो, सभी में है, इसमें जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, तो बचेगा क्या, बी वाला बचेगा क्या बेटा, बी वाला। बताओ भाई बताओ जरा इसका परफेक्ट आंसर, चार में से तीन एक जैसे हैं, एक अलग है, वो अलग कौन सा है, अलग कौन सा है भैया, जबरदस्ती के लपेटना नहीं है, अगर तुमने एग्जामिनर को लपेटा हो वो तुमको लपेट देगा। हर्षित कनिष्क ठीक है, गोविंद मेरे भाई सी 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 सी, अभी देख लो भैया अच्छे से सारे आंसर लगा रहे, सी होना चाहिए। देखो आमने सामने बेटा, आमने सामने, इधर भी आमने सामने, इधर आमने सामने नहीं है, फिर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चे, सी हो जाएगा। तो भैया ये थे आज के, अरे एक मिनट एक और है क्वेश्चन, चलो भाई बताओ एक और है 47 क्वेश्चन थे टोटल, है ना, 45 का टारगेट लेके चले थे, 47 हो गए, बहुत बढ़िया है। तो बताओ भैया इनमें से एक जैसा, तीन तो एक जैसे है, एक अलग है, वो अलग कौन है, वो अलग कौन है, ए बी सी और डी। कुलजीत लगा रहे हैं सर ए ए होना चाहिए। हाँ भाई ए होना चाहिए,
कुछ बच्चे लगा रहे हैं सर ए ही होना चाहिए। अच्छा इसमें ना डिवीजन वाला दिखाई दे, क्योंकि रोटेशन से तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 बेटा सारे सारे 7 वाले हैं, ये 8 वाला है, ऑप्शन नंबर ए। सी गलत हो जाएगा, सभी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 सभी में 7 पार्ट हैं, इसमें 8 पार्ट हैं, तो कौन सा अलग हो जाएगा, ए वाला। हाँ जी, तो ये है आज के टोटल 47 क्वेश्चन। जल्दी से बताओ बेटा आप लोगों का स्कोर क्या रहा, फटाफट से सारे बच्चे। आशीष, ऋषभ, मधु, सोनू, ठीक है, संदीप, निषाद साहब, आशीष नागर, हर्षित, वर्षा, 44 सही है, विशाखा के 45 सही है, बहुत बढ़िया। आई गॉट 45 out of 47, वेरी गुड, जबरदस्त। कुलजीत जात बोल रहे हैं सर 46। जय श्री राम, जय हिंद, जय हिंद सभी को। चलो भैया आप लोगों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयां। कल रिपब्लिक डे है ना, 74th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, ओके। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलो फिर मिलेंगे अपन, ठीक, अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।